नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। हम सभी आज अपने इस लेक्चर में भारत की माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप, गठन एवं मूल्यांकन के विषय में चर्चा करेंगे। अपने इस लेक्चर में हम सभी इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए विभिन्न आयोगों ने माध्यमिक शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए या सेकेंडरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और उनसे किस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सकता है, उन सभी को हम सभी आज पढ़ेंगे। विभिन्न आयोगों को पढ़ते हुए वर्तमान की जो हमारी नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें भी जो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बातें कही गई हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर को अंत तक देखिए। आपका अगर कोई भी संबंध शिक्षा शास्त्र विषय से है तो यह YouTube चैनल आपके लिए उपयोगी है, सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता और सहायता दोनों प्राप्त होगी। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम देखेंगे आज भारत में माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप, गठन एवं मूल्यांकन। जब मैंने आपको प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप, गठन एवं मूल्यांकन के विषय में बताया था, तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कौन कौन से क्लासेस को इन्वॉल्व किया गया है, तब मैंने आपको वो बातें बताई। आज माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करते हुए हम देखेंगे कि आखिर सेकेंडरी एजुकेशन में किस क्लास को हम माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने कहा कि आज हमारे देश में प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्राथमिक के अंतर्गत आती है, तथा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक यानी क्लास 9 से क्लास 12 तक की शिक्षा को हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। तो इस माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो हम देखते हैं कि कब आया ये इंडिविजुअल रूप में, ये तो अलग है, परंतु सबसे पहले जिस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप, हाँ, इन सब पर चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा की संपूर्ण संरचना 2 ही भागों में बटी हुई थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में। वहां पर हमें किसी प्रकार के माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप का वर्णन देखने को नहीं मिलता। माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप का वर्णन हमें अगर देखने को मिलता है, सेकेंडरी एजुकेशन का जो फॉर्मेट हम देखते हैं वो हम सभी अंग्रेजों के समय से ही देखते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के संचालन के पश्चात से हम सेकेंडरी एजुकेशन के स्वरूप को बना पाए हैं। तो उन्हीं के समय से आयोगों का भी चर्चा करना उचित होगा। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा को यानी ब्रिटिश भारत का जो सबसे पहला आयोग था, जिसे हमने भारतीय शिक्षा आयोग 1882 कहा है, उस 1882 में सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा के भार को योग्य एवं कुशल नागरिकों को सौंपने का सुझाव दिया गया। कहा गया कि समाज के जो योग्य और कुशल व्यक्ति हैं उनको भी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय खोले जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 2 भागों में, आ पाठ्यक्रम और बा पाठ्यक्रम, आ मतलब ए पाठ्यक्रम और बी क्यूरिकुलम, ए क्यूरिकुलम और बी क्यूरिकुलम, तो आ पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने सैद्धांतिक विषयों को तथा बा पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया। कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने कहा, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने कहा कि सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में केवल एक हाई स्कूल की स्थापना है। उसके पश्चात विद्यालयों की स्थापना का जो प्रयास है वो व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनके स्टेटमेंट में कहा गया। लेकिन अभी भी जो आप माध्यमिक शिक्षा थी वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी, तो सर्वप्रथम इंटरमीडिएट की कक्षाओं से को विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग कर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठित करने का सुझाव माध्यमिक क्षेत्र में गठित किसी आयोग ने नहीं दिया है, बल्कि विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गठित एक आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम सेडलर कमीशन कहते हैं, 1917-19 में प्रस्तुत किया गया। संदर्भ क्या था थोड़ा सा समझे तो याद रहेगा हमें। कहा गया कि सर आशुतोष मुखर्जी थे कलकत्ता के शिक्षा संचालक के रूप में, तो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया। कहा कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का क्षेत्र है
यह काफी बड़ा हो गया है और अपने इस बड़े क्षेत्रफल पर संबद्धताओं को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय की पकड़ ढीली पड़ती चली जा रही है। शिक्षा का स्तर भी काफी गिरता चला जा रहा है। तो समय है कि किसी एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो ऐसी प्रकार की समस्याएं हैं, इनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उनका गठन होना चाहिए। तो सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक सैडलर कमीशन का गठन कर दिया। तो जब सैडलर कमीशन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि ये जो समस्या कलकत्ता विश्वविद्यालय की आ रही है वो सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या नहीं, यह तो पूरे भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सबके में यह समस्या विद्यमान है कि ये खुद के बोझ के साथ साथ सेकेंडरी एजुकेशन के बोझ से भी लदे हुए। तो उन्होंने सबसे पहला जो सुझाव दिया वो कहा कि सबसे पहला काम एक करिए, पहले आप तो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन का एक्स्ट्रा बर्डन हायर एजुकेशन पर है उसको किनारे करिए। तो इस तरीके से वहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रत्येक प्रदेश में गठित करने के लिए सुझाव दिया गया और इसका अनुपालन करते हुए तत्समय हम संयुक्त प्रांत के कहे जाते थे, यानी उत्तर प्रदेश जो हमारा आज का है वह संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इस आयोग के अनुपालन सुझाव के अनुपालन में 1921 में संयुक्त प्रांत में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की शिक्षा पद्धति का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के संबंध में तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थान लेने के लिए, है ना, यानी विश्वविद्यालय पहले देखता था इस बातों को, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थान लेने के लिए तथा इस स्तर के लिए पाठ्यक्रम निर्मित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 बनाया गया, जिसे हम सभी यूपी बोर्ड के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम 1922 में लागू हुआ और 1923 में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पहली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन किया गया जो संयुक्त प्रांत की है। अब इसी बात को लेकर के अभी 2021 ये आपके यूपी बोर्ड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संस्था अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है और 100 वर्ष पूरे करते हुए यह अपने 100 वर्ष को मिशन गौरव के रूप में मना रही है। तो अच्छा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अपने 100 वर्ष पूरे करने पर मिशन गौरव का संचालन या मिशन गौरव के रूप में मना रही है। तो माध्यमिक शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश एक बात, दूसरा निम्नलिखित से कौन सी संस्था मिशन गौरव बना रही है, तो ये हो गया आपका यूपी बोर्ड। दूसरा यूपी बोर्ड के अंतर्गत किस प्रकार के कार्यक्रम का संचालन वर्तमान समय में किया जा रहा है, तो मिशन गौरव दोनों से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप समझेंगे। ठीक, तो ये आपका यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड के बारे में समझते हुए हम देखें तो वर्तमान समय में जो हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज है वह यूपी बोर्ड जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, वह विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा नियामक संस्था, सबसे ज्यादा छात्र इसी के पास हैं एग्जाम लेने के लिए। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा नियामक संस्था है। अपने कार्यों के कुशल संचालन के लिए यूपी बोर्ड ने 4 क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, वाराणसी, बरेली और प्रयागराज में स्थापित कर रखे हैं और भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय बढ़ने की संभावना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम चले आए सीधे वर्तमान समय तक, बात तो पहुंचे तो हम थे 82 से 1917 तक। चलिए आगे भी देखते हैं। भारत में माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण और प्रशासन को मुख्यतः हम राज्य सरकारों और आंशिक रूप से केंद्र सरकारों पर देखते हैं। मुख्यतः जो आप अगर देखते हैं तो देखिए, अगर अपने आसपास अपने डिस्ट्रिक्ट में तो ज्यादातर जो स्कूल हैं वो स्टेट बोर्ड के ही स्कूल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी संख्या कम है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के रूप में हो चाहे वो नवोदय विद्यालय के रूप में हो। नवोदय विद्यालय तो चलो प्रत्येक जिले में बन चुके हैं, परंतु अभी भी केंद्रीय विद्यालयों का स्वरूप उतना अधिक बृहत रूप से फैल नहीं पाया है। तो एक एक केंद्रीय विद्यालय भी लगभग सब जिलों में खुल चुका है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिकतर जो कवरेज है वो स्टेट बोर्ड के एजुकेशन का है
और जो सेंट्रल बोर्ड की जो जितने भी चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे सीएससी बोर्ड हो इनका कवरेज थोड़ा सा कम है। इसीलिए कहते हैं कि प्रमुखता राज्य सरकारों और आंशिक रूप से केंद्र सरकार का नियंत्रण है और इस पर ये बात भी आती है और केंद्र स्तर पर शिक्षा मंत्री और राज्य स्तर पर शिक्षा सचिवालय तथा शिक्षा निदेशालय इस पर अपना नियंत्रण प्रशासन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं केंद्रीय शिक्षा यानी जो हमारी सीबीएसई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको गठन में किस प्रकार से इसका स्वरूप दिया गया। तो यूपी बोर्ड जब गठित हुआ आपका 1921 में तो इसके अधिकार क्षेत्र में राजपूताना, मध्य भारत, मेवाड़ा, ग्वालियर और अजमेर आता था। ये जो संयुक्त प्रांत की अन्य सरकारें थीं इन्होंने अभ्यावेदन दिया और कहा कि ये जो हमारा इन सभी सरकारों ने सभी क्षेत्रों के लिए वर्ष 1929 में संयुक्त बोर्ड स्थापित करने का एक सुझाव दिया, कहा कि इन सब के लिए एक संयुक्त बोर्ड रहेगा अलग अलग, जिसका नाम इन्होंने रखा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट राजपूताना, जिसमें अजमेर, मेवाड़, मध्य भारत और ग्वालियर सम्मिलित किए गए। सम्मिलित करते हुए फिर ये बात वहां तक तो 1929 में रही, चलती रही। जब भारत स्वतंत्र हुआ हमारा, तो हमने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो हम सभी देखते हैं थोड़ा सा अगर हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ था उस समय पूरे भारतवर्ष को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। एक तो हमारा ब्रिटिश शासित जितना भी क्षेत्र था और दूसरा जो हमारा देसी रियासतें थी और तीसरा जो हमारा केंद्र शासित क्षेत्र था। ठीक, तो इस तरीके से ए, बी और सी तीन भागों में बांटा गया था, आ और बा और सा। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके पश्चात जो विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन हुआ, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमने अपनी शिक्षा को व्यवस्थित करने का जब से प्रारंभ कर दिया, तो 1952 में समय आया कि आपका जो हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसमें कुछ संगठनात्मक संशोधन किए जाए। तो 1952 में बोर्ड में कुछ संगठनात्मक संशोधन किए गए और इसके क्षेत्र में भाग गा और भाग खा, इसे हम बा और सा भी कह सकते हैं, के क्षेत्रों तक इसे बढ़ा दिया गया और बोर्ड को वर्तमान नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिया गया। यानी जो सीबीएसई है उसका नामकरण कब हुआ, 1952 में, 1952 में हुआ। आगे क्या हुआ भाई, तो अंततः इसमें फिर से एक जो आखिरी इसका जो लेटेस्ट अपडेशन था वो 1962 में, 1962 में आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए। उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से सहयोग प्रदान करने के लिए और उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया गया जिनके माता पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी थे और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत थे। इनके लिए बड़ी समस्या थी कि जैसे ही आप पता चला ट्रांसफर हुआ बच्चों को लेकर के आप गए तो इधर कुछ और चल रहा है इस स्टेट में, अगले स्टेट में कुछ और पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके के बच्चों को लिए एक सेंट्रलाइज जो सिलेबस हो जिससे बच्चे कहीं पर भी रहें उससे पढ़ सकें, तो ऐसी व्यवस्था के लिए इसका और पुनर्गठन किया 1962 में। वर्तमान समय में अगर हम देखें सीबीएसई भी अपने क्षेत्र में काफी विकास कर चुका है तो भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर भी इसका क्षेत्रफल फैल चुका है। 17 मई 2018 तक की अगर हम बात करें तो भारत में 20,000 से अधिक और भारत के बाहर 25 देशों में 200 से अधिक विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के द्वारा खोले जा चुके हैं। जो भारत के बाहर के क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं वो सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली से गवर्न होते हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 8 विभागाध्यक्ष इनका सहयोग करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो मनोज आहूजा हैं, क्योंकि प्रश्न बन जाता है और पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार से कौन कौन से वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में एक और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल चलता है, हमारे यहाँ कॉलेज चलता है, तो जिसे हम केंद्रीय विद्यालय के नाम से जानते हैं, तो वहां पर हमने देखा क्या दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो केंद्रीय बोर्ड में विलय कर दिया गया, दिल्ली का जो शिक्षा बोर्ड था, और केंद्रीय विद्यालय योजना को स्वीकृत किया गया जिसके अनुक्रम में 1963 में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए और 1965 में केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में।
इसी श्रृंखला में एक केंद्रीय विद्यालय का स्वरूप भी विकसित हुआ और उन्हीं बालकों के लिए जिनके माता पिता स्थानांतरणीय जॉब के थे उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई। तो ये कुछ आपके केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बोर्ड हैं, परीक्षा नियामक संस्थाएं हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर सामान्य रूप से हम देखने का प्रयास करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके संदर्भ में विभिन्न आयोगों के क्या सुझाव हैं। तो फिर हमने आपको 1919 पर छोड़ा था और 1921 तक पहुंचे थे। उसके पश्चात हम आते हैं 1937 में और हमें देखने को मिलता है वुड एबट रिपोर्ट, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र को समाज उपयोगी बनाया जा सके, यानी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालक कुछ जीविकोपार्जन भी कर सके, इसके संदर्भ में वुड एबट रिपोर्ट जून 1937 में सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में गठित की गई। यानी सामान्य शिक्षा भी रहे साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था माध्यमिक स्तर पर हो जानी चाहिए। इसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़े तो 37 के दो साल बाद 1929 में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी एक आयोग का गठन हुआ है, एक समिति का गठन हुआ है माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे हमने नाम दिया आचार्य नरेंद्र देव समिति। आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए किया गया। आचार्य नरेंद्र देव समिति की अध्यक्षता में कई समितियों का गठन हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम 1939, जूनियर हाई स्कूल शिक्षा की पुनर्संगठन योजना, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की योजना स्वतंत्रता के पश्चात 1948, और आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय दोबारा फिर इसका गठन हुआ उत्तर प्रदेश में 1952-53। यानी जब केंद्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था मुदालियर कमीशन का, उसी समय उत्तर प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक समिति का गठन हुआ था जिसे हम आचार्य नरेंद्र देव समिति के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय, आपका जो एक प्रश्न आता है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो आपकी मनोविज्ञान शाला है उसको स्थापित करने का सुझाव किसने दिया, तो आपके आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम में ही ये सुझाव दे दिया गया था। ठीक है, तो जैसे ही हम स्वतंत्र हुए और उसके संदर्भ में हमने एक संस्थान की स्थापना कर दी। द्वितीय में 1952 में जिसे माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति भी कहा जाता है। अब इसको अगर माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब होगा आचार्य नरेंद्र समिति। माध्यमिक शिक्षा का नाम सुनते ही आप मुदालियर कमीशन ना ही लगा दें, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आचार्य नरेंद्र देव समिति माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए गठित की गई 7 मई 1953 में। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार से हैं जो हमने देखे हैं अपने पाठ्यक्रम में, कि हिंदी के साथ हमने संस्कृत को भी पढ़ा था, यानी तीन प्रश्न पत्र हिंदी के थे 35, 35 और 30, यानी संस्कृत परिचर्या चलती थी। प्रत्येक जिलों में मनोवैज्ञानिक केंद्र खोले जाने के सुझाव दिया, प्रदेश में एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा अनुसंधान परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, 12वीं कक्षा को उन्होंने फिर से विश्वविद्यालय की डिग्री कक्षा के साथ सम्मिलित करने का प्रयास किया जो बहुत अच्छा सुझाव नहीं था, प्रतिवर्ष 200 दिन का कम से कम कार्यकाल होना चाहिए, माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 10 में कम से कम 6 विषय और कक्षा 11 में 5 विषय पढ़ाए जाए। तो पढ़ते हैं हम 600 का हमारा वो टोटल हाई स्कूल में होता है और हमारा 500 का टोटल हमारा 11th और 12th में होता है। इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए प्रत्येक जिले में भी प्रदेश के साथ साथ प्रत्येक जिलों में इन्होंने मनोवैज्ञानिक केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया। और आगे नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में बात सुझाव देते हुए कि विद्यार्थियों को सभी धर्मों के मौलिक सिद्धांतों की शिक्षा दी जानी चाहिए, विद्यालय का दैनिक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर वंदना और समय समय पर महापुरुषों के जीवन के चरित्र को भी परिचित कराया जाना चाहिए, और यदि शिक्षक और प्रबंधकों के बीच कोई विवाद होता है तो पंच फैसला बोर्ड बनाया जाए, और ये पंच फैसला बोर्ड जो है वो 2 महीने के अंदर फैसले पर कार्रवाई करे, और नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को विद्यालय से अनुदान राशि जो भी विद्यालय को जो हमारी ग्रांट देती है संस्कार, उस ग्रांट में से वेतन देने का काम किया जाए। तो एक अच्छा सुझाव उस क्षेत्र में था।
केंद्रीय स्तर पर जो माध्यमिक शिक्षा के लिए गठित संस्था थी, यानी जो गठित आयोग था हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन 1952-53 के नाम से जानते हैं। इस मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, यदि माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है तो। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाने का सुझाव किसने दिया, तो मुदालियर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में दिया गया। ये नरेंद्र समिति से इसका कोई संबंध नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य निर्धारित करते हुए कहा कि उद्देश्यहीन शिक्षा छात्र को वास्तविक जीवन के लिए तैयार नहीं करती। प्रश्न भी आ चुका कि निम्नलिखित में से कौन से माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो ये चार उद्देश्य आप रट लीजिए, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता, व्यक्तित्व का विकास और नेतृत्व शक्ति का विकास। ये प्रश्न आपके यहाँ परीक्षा में आ चुका है, दोनों प्रश्न आ चुके हैं मुदालियर कमीशन के। और मुदालियर कमीशन से जो प्रमुख प्रमुख बात बनती है, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बनती है, ठीक है, एक तो इसका उद्देश्य और दूसरा ये जो आपका बहुउद्देश्य, और तीसरा जो है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव भी आपका मुदालियर कमीशन ने दिया था। मैं बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में, जब मैंने आपको भारत में भाषा विवाद के बारे में पढ़ाया था। अच्छा, सर्वप्रथम फिर इसके पश्चात हम कोठारी आयोग का वर्णन देखने को हमें मिलता है। तो सर्वप्रथम 10+2+3 की शिक्षा संरचना का सुझाव कोठारी आयोग में दिया गया, जिसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कौन सी है, तो 1986 नहीं है, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ये तो हमारी तीसरी शिक्षा नीति है, समझ लो, वैसे दूसरी कहनी चाहिए प्रमुख जो लागू हो पाई, क्योंकि एक 1979 में भी बनी थी जो चल नहीं पाई, अपना कार्य रूप ही नहीं दे पाई, ठीक। तो इस तरीके से दो, और अगर हम कहें कि क्रम से कितनी बनी, तो तीसरा नंबर है 86 का। चलिए, तो 10+2+3 की शिक्षा संरचना जो है वो कोठारी आयोग द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना को प्रस्तुत किया गया। कुछ प्रदेशों ने माना, कुछ प्रदेश नहीं माने, और इसके पश्चात इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, उसके बाद नई सरकार आई, तो उसने इस योजना पर रोक लगा दी, फिर वो सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाई, वो सरकार पुनः गिर गई, फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब लागू हुई, फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने फिर से 10+2+3 की शिक्षा संरचना को लागू करने का सुझाव कर दिया। सुझाव जो नहीं दिया, अब तो नीति सीधे बन गई थी, तो किसी आयोग का गठन नहीं हुआ 1986 में, सीधे नीति और कार्य योजना तत्काल तत्काल प्रस्तुत कर दी गई। इसलिए प्रश्न बनता है जो आपके यहाँ कि 10+2+3 की शिक्षा संरचना को लागू कब किया गया, तो लागू करने के लिए आपका जो आयोग ने एक उत्तर माना है वो 1986 माना है, ठीक है। वैसे सबसे पहले अगर आप कहा जाए कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहले 10+2+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया, तो कोठारी आयोग आयोग सुझाव देता है। आयोग के आधार पर जो नीति लागू हुई 1968 में लागू हुई, परंतु इसको वास्तविक रूप से लागू करने का जो काम किया गया वो 1986 से किया गया है, ठीक। इस बात कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, काफी ढूंढने के पश्चात, काफी देखने के पश्चात ये बात एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में आती है, क्या कि माध्यमिक शिक्षा सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, क्या दूसरी ये है कि ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नीति के 5वें भाग तथा कार्य योजना के 3वें भाग में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए प्रत्येक जिले में गति निर्धारक विद्यालय, पेस सेटिंग स्कूल, यानी जिसे हमने नवोदय विद्यालय का नाम दिया, की स्थापना के लिए
कह दिया गया और कहा गया कि इसमें 75% छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के होंगे और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना होगा। गति निर्धारक का मतलब यह है कि ये जो नवोदय विद्यालय होगा ये अपने जिले के सभी माध्यमिक शिक्षा के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा, ठीक है। तो इसके स्तर यानी शिक्षा स्तर को काफी उच्च बनाए जाने की सिफारिश की गई है और ऐसा होता भी है और अच्छे काफी व्यवस्थित इसमें देखने को मिलता है। अच्छा भाई, फिर हमने 1986 की बात कही, उसके पश्चात प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर हमारे भारत में दिया गया। इसी माध्यमिक शिक्षा का अगला जो हम वर्णन प्रमुख देखते हैं तो वो 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय एक योजना का क्रियान्वयन किया गया है। क्या है देखते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2007, याद कर लीजिए तारीख, 15 अगस्त 2007 को माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 व 10 के सार्वभौमीकरण की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत सरकार ने प्राथमिक स्तर का जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था उसी तरह का माध्यमिक स्तर पर भी एक अभियान चलाने का सुझाव दिया, जिसे नाम दिया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ, तो 2007 से। कौन से 2007 से, 15 अगस्त 2007 को लाल किले से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी नहीं, मनमोहन सिंह ने आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA को लागू करने की बात कही और उनका बड़ी ताली बजा करके इस कार्य का उनका बड़ा ठीक स्वागत किया गया। इस योजना के अंतर्गत कहा गया क्या कि प्रत्येक विकास खंड में एक आदर्श माध्यमिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। चलिए नई शिक्षा नीति जो है इसके संदर्भ में भी देखते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। तो लगभग 15-20 पॉइंट है, 20-25 पॉइंट है जिसमें मैंने समझाने का कुछ प्रयास किया है। तो पहले जरा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का तात्पर्य क्या है, कौन है इसके अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप जब बन रहा था 2019 में, शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हुए सरकार ने शिक्षा को उत्प्रेरक साधन के रूप में परिकल्पित किया, एक उत्प्रेरक साधक के रूप में, जिससे इन्होंने कहा कि आने वाले 8-10 सालों में भारत को हम नॉलेज सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं। जून 2017 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व पूर्व चेयरमैन कहाँ के, इसरो के, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति को तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया। तो कौन है अध्यक्ष, के कस्तूरी रंगन, क्या थे, पूर्व चेयरमैन थे इसरो के, जिन्हें अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2018 तक प्रस्तुत करने का भी लक्ष्य दे दिया गया। इस इन्होंने अपना काम करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के साथ साथ 11 अन्य सदस्य भी सम्मिलित थे और इन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा नीति के प्रारूप को लगभग 4 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया। संपूर्ण भाग पर अध्ययन तो हम नहीं करेंगे, फिलहाल हम माध्यमिक शिक्षा के विषय में बात कर लेते हैं। क्या माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप 2019 द्वारा जो भी सुझाव प्रस्तुत किए गए वो निम्नलिखित हैं, क्या क्या कहा गया कि वर्तमान नीति के अनुसार 10+2+3 का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, 5+3+3+4 का नया कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए आप सभी, 5+3+3+4 का नया शिक्षा संरचना लागू की जाएगी हमारी नई शिक्षा नीति के द्वारा। इस 5 में 5 साल में क्या है, 3 वर्ष की प्री प्राइमरी, नर्सरी केजी, प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी और कक्षा 1 2, ठीक है, 3 वर्षों की, तो आपका हो गया ये कक्षा 1 और 2। दूसरा हमारा प्राथमिक कक्षा, तो कक्षा 3 4 और 5, ठीक, 3 वर्षों की है ये, ठीक है, इसको हटा ही दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कक्षा 1 और 2, वरना आप सभी कंफ्यूज रहेंगे। बस सही है, ठीक। तो दूसरा हमारी कौन सी है, प्राथमिक शिक्षा, इसमें होगा हमारा 3 4 और 5, और 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा,
ठीक, ये इसके लिए था। ठीक, आपका जो 3 वर्ष लिखे थे वो इस 3 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा का मतलब था। ठीक है, जो 3 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा यानी जो तीसरा है हमारा 5+3+3 का जो तीसरा वाला मामला है वो ये है कि जो दूसरा 3 है 3 है उस 3 में कक्षा 3, 4 और 5 के बारे में बात कही जाएगी। ठीक है, उसका जो अगला 3 वर्ष की बात कही गई है वो 6, 7 और 8 की बात कही गई है। उच्च अवस्था की जो बात कही गई है वो कक्षा 9 से लेकर 12 की बात कही गई है। तो 5+3+3+4 के नए शिक्षा ढांचे को स्वीकार किया जाएगा, जहां पर आपका जो दूसरा वाला 3 है 3 यानी 6, 7, 8 को उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ और उच्च माध्यमिक शिक्षा को 9, 10, 11, 12 में विभाजित किया। चलिए, अब जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क किया गया है, इसी सीमा में इसी दायरे में माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने के लिए प्रयास किया गया, समिति ने कहा, और कहा कि आरटी एक्ट को विस्तारित करते हुए 2030 तक हमें कक्षा 12 तक के स्तर के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी, यानी कक्षा 12 तक पूरी तरह पढ़ाई फ्री हो जाएगी। जहां तक संभव हो सके अलग अलग मौजूदा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों, विशेष रूप से ऐसे विद्यालय जिनमें उपस्थिति कम है, उनको कॉम्प्लेक्स स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाए, यानी एक समेकित स्कूल के रूप में विकसित कर दे, एक कैंपस हो उसमें सब चीजें हो, ठीक है, पूरा 1 से लेकर 12 तक का व्यवस्था चल जाए। शिक्षकों के समुचित पद स्थापन व उनके बेहतर कार्य के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो 30:1 के नीचे भी ले जाने की बात कही गई। ठीक, 30:1 तक का तो अभी तक का शिक्षक छात्र अनुपात है, इसको और नीचे लाने का प्रयास किया गया है। ठीक, जो ये 4 वर्षीय उच्च अवस्था है उसमें हमें बहुअनुशासनिक यानी कई लेवल के अध्ययन कराने चाहिए। इस स्तर पर बालकों की जीवन अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विषयों के विकल्प के चुनाव के अवसर दिए जाने चाहिए, ऐसी बात कही गई। आगे इसी पर चर्चा करते हुए कहा गया कि उच्च माध्यमिक इस अवस्था के उच्च माध्यमिक अवस्था के प्रत्येक वर्ष को 2 सेमेस्टर में बांटा जाए, यानी यहाँ भी सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी जो विश्वविद्यालय शिक्षा में चलती है उच्च शिक्षा में, और ऐसा यहाँ भी लाने का बात कही जा रही है कि इस तरीके से 4 वर्षों में 8 सेमेस्टर होंगे और प्रत्येक विद्यार्थी हर सेमेस्टर में 5 से 6 विषय पढ़ेगा। यहाँ उसे कुछ ऐसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे जो कुछ कॉमन विषय होंगे। इसी श्रृंखला में आगे हायर सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज जैसे सिस्टम खत्म कर दिए जाएं और उनको सीधे कक्षा 11 व 12 उच्च अवस्था में अभिन्न अंग माना जाने की बात कही गई। करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम और को करिकुलम के नाम पर विषय वस्तु का कड़ा विभाजन नहीं किया जाएगा कि बहुत लेंदी करिकुलम ना बनाओ कि ये वो दुनिया, ठीक, सीधी बात करो, नो बकवास। कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक यानी क्लास 5 टू क्लास 8 तक मातृभाषा की शिक्षा के माध्यम, मतलब मातृभाषा की जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। आगे हम जानते हैं हमारा भारत जो है वो बहुभाषी देश है, तो हमारे बहुभाषी देश में बहुभाषाओं की क्षमता का विकास बालक में हो सके उसके बढ़ावे के लिए त्रिभाषा सूत्र को पूर्ण मनोयोग से लागू करने की बात कही गई है। और जैसे ही त्रिभाषा सूत्र का नाम भारत में सुन लिया जाता है तैसे बवाल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी बीच में आपने देखा था कि बवाल कुछ हुआ था थोड़ा सा, तो सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि हिंदी हम नहीं जबरदस्ती करेंगे, चिंता न करो। ठीक, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पूरे देश की प्रांतीय भाषाओं और अनुसूची 8 की भाषाओं के शिक्षक पर खासी मात्रा में निवेश किया जाएगा। ये जो हमारी अनुसूची 8 की जितनी भी 22 भाषाएं हैं इन पर हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जो हम बाहरी विदेशी भाषा पढ़ाने की जो बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहे कि हम 3 भाषाओं में
अपने जो देश के जो अन्य अन्य भाषाएं हैं उनको पढ़ाने की बात कही जाए, जिससे कम से कम अपने देश को लोग जान तो सके अच्छे तरीके से। विज्ञान का द्विभाषी होना हमारे लिए वरदान कहा गया, ये कठिनाई ना कहा जाए। अतः कक्षा 8 या उससे पहले विद्यार्थियों को दो भाषाओं, जो विज्ञान है वो दो भाषाओं में पढ़ाया जाए, ताकि कक्षा 10 के अंत तक आते आते वह विज्ञान पर दोनों भाषाओं में बात कर सकें और काम कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा में आप साइंस के विज्ञान की बातों को या तथ्यों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए दोनों बातों को हम बस यूज टू नहीं हुए हैं, हम कंफर्टेबल इसलिए फील नहीं करते क्योंकि हम उसको हमने बचपन से पढ़ा नहीं था। ऐसी बात को दूर करने का सुझाव दिया गया है। इसी बात को बढ़ाते हुए कहा गया कि सेकेंडरी स्कूल के दौरान उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी रुचि विदेशी भाषाओं को पढ़ने की है उनको भी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। एनसीईआरटी एससीईआरटी व देश के महत्वपूर्ण भाषाविदों के साथ मिलकर कक्षा 6 से 8 तक की देश के प्रत्येक विद्यार्थी को भाषाओं का एक कोर्स कराया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं की समानता, उद्भव, शब्दावली, कुछ रोजमर्रा के काम आने वाले वाक्य और अभिवादन व मजाक के वाक्यों का प्रयोग करना सीख सके। मिडिल व फाउंडेशन स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें दोबारा से सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत में लिखी जाएंगी, ताकि संस्कृत जो हीन संस्कृत में हमारी जीवन जो सरलतम है उस भाषा में सिखाई जा सके। ठीक है, और अगला है कक्षा 6, 7, 8 में व्यवसायिक कौशलों और हस्त कौशल कलाओं पर 1 साल का सर्वे कोर्स कराया जाएगा, जिसके तहत बच्चे जो रोजमर्रा के टेक्निकल कोर्स हैं उनको सीख सके। कक्षा 9 से 12 में व्यावसायिक कोर्स के पर्याप्त विकल्प शामिल किए जाएंगे। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान व्यवस्था को शामिल किया जाएगा। कक्षा 7 व 8 के दौरान समसामयिक मुद्दों से संबंधित सभी विद्यार्थियों को दुनिया भर के समुदाय के लोगों द्वारा जिन ज्वलंत मुद्दों और चुनौतियों का सामना किया जा रहा है उन पर भी एक कोर्स कराया जाएगा। ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह 1 पीरियड 1 सत्र समसामयिक मुद्दों पर चर्चा के लिए रखा जाएगा। कक्षा 9 से 12 में भी ऐसे विषयों को सम्मिलित करने की बात कही गई है, और ऐसे एक राष्ट्रीय शिक्षा क्रम को बनाने की बात कही गई है जो स्थानीय संदर्भ और इनके उचित अंतर को स्थान दे सके। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य में एससीईआरटी को पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूल की पढ़ाई के दौरान शिक्षकों का ध्यान निर्माणात्मक और विकासात्मक आकलन पर रहे। बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में समिति ने बताया कि जब भी बच्चे अपने को सबसे ज्यादा तैयार पाए परीक्षा दे लें, अर्थात जिस सेमेस्टर में अपने को सबसे ज्यादा तैयार पाए परीक्षा दे सकते हैं, जितना भी 8 सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो विद्यार्थियों का पूरे स्कूली जीवन में होने वाले विकास को समझने के लिए कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा 3, 5 व 8 में राज्यों का संसद परीक्षाओं में बैठेंगे ये बच्चे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा जो हाई स्कूल और इंटर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और मजबूत करने की बात कही गई है, जिससे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम हैं उन पर उनको भी आयोजित करते हुए वो और पारदर्शी तरीके से प्रवेश परीक्षाओं को संचालित कर सके। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए मुद्दे आधारित रेजिडेंशियल समर कार्यक्रम चलाने के लिए एक केंद्रीय रूप से अनुदानित व्यवस्था की भी बात कही गई है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए, तो कहा गया कि एक नए शीर्ष निकाय का गठन किया जाएगा जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया है? हमारी नई शिक्षा नीति में कहा गया है, और इसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री और सचिव इसके जो भी शिक्षा मंत्री होंगे वे होंगे। अब मानव संसाधन विकास मंत्री शब्द प्रयोग से हटा दिया जाएगा। चलिए, इसी बात को अगली लाइन में कह भी दिया गया है कि पुनः शिक्षा व सीखने पर ध्यान देने के लिए MHRD को नया स्वरूप दिया जाएगा और उसे पुनः शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। 1986 के करीब से हमने इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अब पुनः इसको हम शिक्षा मंत्रालय ही कहेंगे, हम अपने शिक्षा विभाग को। और इसी तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसी के तर्ज पर हम राज्य में भी राज्य शिक्षा आयोग के गठन का काम करेंगे
और जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जाए। तो ये इससे संदर्भित माध्यमिक शिक्षा से संबंधित लगभग सभी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे अगले लेक्चर में आपको मैं भारत में उच्च शिक्षा के स्वरूप और गठन के तथा समस्याओं के विषय में बताऊंगा। सिलेबस के एक एक विषय एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, चिंता की बात नहीं है। बने रहिए चैनल पर। आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने के लिए प्रयत्नरत्न हूँ और पूरी तरीके से आपको सहयोग करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। मिलते हैं अगले लेक्चर में।